गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक और वीडियो लेके आए हैं आई और ईयर के ऊपर। जो आई और ईयर है हमारे, ये एक सेंस ऑफ ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल में समझने वाले हैं आई के कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, और उनकी कमी के कारण, उनकी जो है डिफेक्ट के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है हमारी आईज में। फिर उसके बाद हम ईयर्स के बारे में भी समझेंगे। ईयर्स जिसका जो टॉपिक थोड़ा छोटा है, जिसके एग्जाम में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, आई से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ईयर्स के बारे में भी हम समझेंगे, ईयर्स को कैसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बोन्स होती हैं, क्या किस चीज़ का क्या फंक्शन होता है, बड़े ही डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। अगर अब हम ह्यूमन आई की बात करें तो ये वन ऑफ द सेंस ऑर्गन है। फाइव सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? पहला आई, ईयर, टंग, स्किन और नोज। ये फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारा टंग वाला एरिया था वो हमने आपको डाइजेशन में कवर करवा दिया था, फिर आज हम आई और ईयर को कवर कर देंगे और स्किन के लिए अलग से एक वीडियो आपको बना के देंगे। तो अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, या फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमन माइंड होता है उसका ज़्यादातर जो है ऑक्यूपाई, उसका ज़्यादातर जो फंक्शन ऑक्यूपाई करता है ये आई को ही समझने में करता है। आई जो भी उसको इन्फॉर्मेशन देता है अपने ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए, उसको एनालाइज करने में ही हमारे ब्रेन का ज़्यादातर टाइम कवर हो जाता है। ज़्यादातर जो उसकी नर्व्स होती हैं, ज़्यादातर पार्ट होता है, सब कुछ वो आई को जो इन्फॉर्मेशन उसको एनालाइज करने में और उसको मेमोराइज करने में ही ब्रेन को ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है हमारी ह्यूमन आईज जो होती हैं। और जो ह्यूमन आई होती है ना, ये 10 मिलियन कलर्स को आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। मतलब देखो, जो ह्यूमन आई होती है ना, वो बेसिकली जो प्राइम कलर देखती है वो तीन ही प्राइम कलर देखती है, हमारा रेड, हमारा ब्लू और ग्रीन। क्या रेड, ब्लू और ग्रीन, यही तीन प्राइमरी कलर हमारा ह्यूमन आई देखती है। पर इन तीन प्राइमरी कलर से भी काफ़ी सारे जो है हमारे मिलियंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स बन सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप जो है रेड और ब्लू को मिला दो तो पिंक बन जाएगा, रेड और ब्लू को मिला दो तो कुछ और बन जाएगा, रेड को लाइट कर दो तो पिंक बन जाएगा, ऐसे करके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स करके 10 मिलियन कलर्स हमारे ही आई डिस्टिंग्विश कर सकती है। यानी कि काफ़ी सारे शेड्स ऑफ ब्लू, काफ़ी शेड्स ऑफ रेड, ग्रीन, इन सबको भी, इन सबको मिला के 10 मिलियन कलर्स बनते हैं, उनको हम आई, ह्यूमन आई आइडेंटिफाई कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गन, सभी ऑर्गेनिज्म इतना ही कलर देख सकते हैं। जो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो जो है कई कई मिलियन को तो मतलब मिलियंस ऑफ कलर्स भी देख सकते हैं। यानी कि ये तीन प्राइमरी कलर नहीं होते, दुनिया में और भी प्राइमरी कलर्स होते हैं, उसका हमें ह्यूमंस को पता ही नहीं है कौन से वो प्राइमरी कलर होते हैं। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन आई है वो उसको रिसीव ही नहीं कर सकती। जब हमारी ह्यूमन आई उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकती तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि जो है कलर अलग दिखता है। जैसे कि इमेजिनरी कर मान लो मिस्टर एक्स, एक्स कलर को अगर हमारी ह्यूमन आई देख ही नहीं सकती, हमने कभी जाना ही नहीं एक्स कलर दिखता कैसे है, तो हम कैसे पता, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमें बस ये पता है कि जो कई से कीड़े होते हैं उनके पास जो कलर को आइडेंटिफाई करने वाले सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उससे हम उन्हें कंपेयर कर लिया कि वो इतने सारे कलर्स को देख सकता है, वो बिलियंस ऑफ कलर्स को देख सकता है। जैसे हमारी आई 10 मिलियंस ऑफ कलर को देख सकते हैं, जिनमें से प्राइमरी सिर्फ 3 कलर्स हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन आई की अगर बात करें, ठीक, तो ये 3 लेयर्स से बनी होती है हमारी जो ह्यूमंस की आई होती है, इसमें 3 लेयर्स से ये बनी होती है पूरी। अंदर जो ये लिक्विड्स भरा होता है इसके, और जो इसके आउटर होती है सरफेस, वो 3 लेयर्स से बनी होती है। पहला हमारा स्क्लेरा आता है, फिर हमारा कोरोइड आता है, और फिर रेटिना आता है। ये 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन आईज है, ठीक है ना। इसको हमने डेबी डायग्राम में बना रखा है। पहला हमारा स्क्लेरा आएगा, फिर कोरोइड आएगा, और फिर रेटिना हमारा आएगा, जिसमें जो स्क्लेरा होता है वो हमारा कॉर्निया और कॉन्जुक्टिवा कैरी करता है, कॉर्निया और कॉन्जुक्टिवा, ठीक है ना।
जो कॉर्निया होता है वो एकदम आउटर सरफेस पे होता है हमारी ह्यूमन आई के एकदम ही आउटर पे, जो प्यूपिल और आयरिस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ये, उसके भी आगे होता है और इसको कहते हैं कि ये एक्सटर्नल सरफेस पे होता है हमारे, एक्सटर्नल ऑफ आई होता है, यानी कि जो स्क्लेरा होता है ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आई है, ये है तो ह्यूमन आई का पार्ट पर ये एक्सटर्नल पार्ट है, जैसे कि हमारी स्किन है ये हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, ये जो बाहर एटमोसफेयर से कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे जो स्क्लेरा के दोनों पार्ट्स हैं हमारे कॉर्निया और कॉन्जक्टिवा, ये जो है एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई होते हैं, जिसमें से जो कॉर्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये एकदम ही ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जैसे कि आपके मोबाइल पे आप जो है स्क्रीन गार्ड लगाते हो, है ना, वैसे ही ये हमारी आई की स्क्रीन गार्ड होती है कॉर्निया, ये जो धूल के कणों से हमें बचाती है हमारी आई को, आई के अंदर धूल के कणों को नहीं आने देती, या फिर जो तेज रोशनी आए तो एक बार के उसको संभाल लेती है, जो भी चीजें होती है सब कुछ प्रोटेक्शन का काम होता है कॉर्निया का, ठीक है। और कई बार ना ये कॉर्निया जब बर्थ के टाइम से ही बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाती है, जैसे हमने बताया ट्रांसपेरेंट होती है, पर कई बार ये ओपेक हो जाती है जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो जाती है, आंखों को देखना बंद हो जाता है। फिर जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है, कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो दिखाई देना सही हो जाता है, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे जाता है, जो हम डोनेट करते हैं जो आई ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कॉर्निया का ही होता है, ताकि जो है कॉर्निया जो अगर धुंधली हो गई है तो उसको ट्रांसप्लांट करको और ताकि अच्छे से दिखाई देने लग जाए। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ह्यूमन की आई का वो कौन से पार्ट का होता है, तो वो कॉर्निया का होता है, ये नहीं कि आपकी पूरी की पूरी आई निकाल के दूसरे में लगा दी, ऐसा नहीं होता, सिर्फ कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगर किसी इंसान में किसी आई के किसी और पार्ट में डिफेक्ट हो, जैसे कि ऑप्टिकल नर्व्स में डिफेक्टेड हो, रेटिना डिफेक्टेड हो, तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता, उसकी जो है ब्लाइंडनेस का इलाज नहीं किया जा सकता, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन से इलाज नहीं किया जा सकता, सिर्फ कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांटेशन से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम फिर बात आती है हमारे कॉन्जक्टिवा की, ठीक है ना, अगर हम कॉन्जक्टिवा की बात करें तो फिर ये आपने देखा होगा कि कई बार आप जब मोबाइल पे ज्यादा लग जाते हो, ज्यादा टीवी चला लेते हो, लैपटॉप पे लंबी टाइम तक काम करते हो, तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो और अचानक से आपकी कुछ बॉल लग जाए आंखों पे, आंखों के अंदर और लाल हो जाए, या फिर कुछ जो हो जाए कुछ चोट लग जाए आपकी आंखों पे जो सफेद एरिया उसके ऊपर, तो आप लाल जो एरिया देखते हैं वो कॉन्जक्टिवा ही होता है हमारा, ठीक है ना, ये रेडिश जो एरिया होता है ये कॉन्जक्टिवा ही होता है हमारा, ठीक है। अब हम दूसरी लेयर की बात करेंगे कोरोइड की, तो कोरोइड होती है लेयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन आई में, ये सारे ज्यादातर फंक्शन यही करती है हमारी कोरोइड लेयर, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी सब कुछ कोरोइड लेयर के ऊपर ही आते हैं आपके, तो क्योंकि ये कोरोइड लेयर क्या क्या कैरी करती है, प्यूपिल कैरी करती है, ये आयरिस कैरी करती है और ये लेंस कैरी करती है, ये तीनों जो है हमारी कोरोइड लेयर कैरी करती है। और इस प्यूपिल को आप समझें तो प्यूपिल एक छेद है, प्यूपिल जो आप अपनी आंखों में एकदम काला काला एकदम सेंटर में बहुत ही काला और लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला, जो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है वो उस काले छेद को हम कहते हैं प्यूपिल, इसी के जरिए हमारी जो लाइट हमारी आई से होके लेंस में जाती है, प्यूपिल के जरिए जो लाइट है वो लेंस तक जाती है, प्यूपिल अलाउ करता है लाइट को लेंस तक जाने के लिए। अब जो लाइट अंदर जाने का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस बात को बड़े ध्यान से एक बार समझें और जिंदगी भर याद रखें कि जो कॉर्निया है वो अलाउ करता है लाइट को आई के अंदर जाने के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ लाइट टू एंटर आईज, तो आप कहेंगे कॉर्निया, और अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ लाइट टू एंटर लेंस, या फिर अलाउ टू एंटर रेटिना लिख दें या फिर लेंस लिख दें, तो आपको प्यूपिल लिखना है, क्योंकि प्यूपिल तो पहले से ही जो है हमारी आई के अंदर का पार्ट है, आई के अंदर पहले ही है, तो वो आई के अंदर अलाउ कैसे कर सकता है, ठीक है ना, वो पहले से ही आई के अंदर है। जो कॉर्निया होता है जबकि वो जो एक्सटर्नल पार्ट है हमारा स्क्लेरा की, दोनों की लेयर के जो स्क्लेरा लेयर है जिसका पार्ट कॉर्निया है, ये सिर्फ यही एक्सटर्नल है, बाकी हमारा कोरोइड और हमारा जो है रेटिना ये दोनों इंटरनल पार्ट्स हैं, जिसका मतलब आयरिस भी इंटरनल है, प्यूपिल भी इंटरनल है, लेंस भी इंटरनल है, हमारा यहाँ पे रेटिना भी और ऑप्टिकल नर्व्स भी, ये सब के सब इंटरनल पार्ट हो गए।
सिर्फ हमारा कॉर्निया और कॉन्जक्टिवा ये आउटर लेयर्स में आउटर ऑफ आई माने जाते हैं, आई के बाहर के एरिया माना जाता है इनको, आउटर पार्ट्स ऑफ आई माना जाता है। ये आई के ही पार्ट हैं पर एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर आपसे पूछा जाए आई के अंदर लाइट को कौन अलाउ करता है, तो वो कॉर्निया, और लेंस तक कौन पहुंचाता है, लेंस पे अलाउ कौन करता है लेंस तक जाने के लिए लाइट को, तो वो प्यूपिल, ठीक है। और जो आयरिस करता है वो अमाउंट को रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो लेंस पे पड़ेगी, कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट लेंस पे पड़ेगी, ये आयरिस करता है, जिसको कहते हैं ना कि पुतली, पुतली तो जो है प्यूपिल को कहते हैं, पर पुतली का सुकुड़ना और पुतली का बड़ा होना ये सब कुछ आयरिस कंट्रोल करता है। हमारी आंखों की जो पुतली है या फिर प्यूपिल है उसका चौड़ना और उसका कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब कुछ आयरिस की जिम्मेदारी होती है। जब जो ज़्यादा लाइट आ रही होती है, आप धूप में चले गए या फिर ज़्यादा रोशनी में चले गए, तो क्या करता है ये जो सिकुड़ जाता है, उस छेद को कम कर देता है ताकि कम से कम लाइट आए और हमारे लेंस को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, लेंस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि कम लाइट में भी हम देख सकते हैं, ज़्यादा लाइट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और आयरिस की क्या बात होती है, खास बात कि जो आयरिस है ना ये कॉन्ट्रैक्ट, जो सिकुड़ तो बड़ी जल्दी जाता है पर रिलैक्स होने में टाइम लगाता है, रिलैक्स होने में 2 से 3 मिनट ये लगाता है। इसीलिए जब आप जो है धूप में होते हैं तो उस समय तो आपको अचानक से जो है आँखें बंद हो जाती हैं, थोड़ा सा ये जो पुतली होती है ये सिकुड़ जाती है, पर जब आप वापस अपने अंधेरे कमरे में जाते हो तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, आपको जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ जो तेज अजीब सा रोशनी दिखाई देती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो 2 से 3 मिनट लगाएगा आपका आयरिस दोबारा रिलैक्स होने में, दोबारा जो है प्यूपिल को बड़ा करने में, ठीक है ना, 2 से 3 मिनट लगाएगा जब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और जो आपके जो चश्मे का नंबर बनाने जाते हो तो वो ऐसी दवाई डालते हैं ताकि जो आपकी आयरिस है ये काम करना बंद कर दे और जो है आपके प्यूपिल वो बड़ा खुला का खुला रह जाए, बड़ा चौड़ के चौड़ा रह जाए, ताकि लेंस की अच्छे से हम जो डॉक्टर होगा आपका लेंस को अच्छे से जांच पड़ताल कर सके, उसकी लेंस को अच्छे से उसकी जो है जाँच कर सके। इसलिए आयरिस को जो है डिसेबल कर दिया जाता है कि आयरिस जो खुला का खुला रह जाए, बार बार बंद ना हो, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई, प्यूपिल की बात होगी, आयरिस की और कॉर्निया की, ठीक है। तो अगर हम लेंस की अगर बात करें तो लेंस होता है हमारा, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ना ही ये गैसियस फॉर्म में होता है, ना ही ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा लेंस होता है आई का, वो क्या एयर का बबल होता है, क्या वो वाटर बबल होता है, या वो सॉलिड बबल होता है, तो आप सॉलिड लिख के आएंगे क्योंकि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में नहीं होता है। और ये जो है हमारा कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है, कॉन्वेक्स यानी कि जो ऐसी फॉर्म होती है हमारी उसको कॉन्वेक्स कहते हैं, और अगर आपकी ऐसी शेप होती है तो उसको कॉनकेव बोलते हैं। जब आपको फिजिक्स में लाइट का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में समझाएंगे, पर अभी आप ये जान लीजिए कि ये बाई कॉन्वेक्स होती है। ये हमारे लेंस की जो हमारी आई का जो लेंस होता है जेली लाइक, वो बाई कॉन्वेक्स होता है, ये कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स होता है। अब ऐसे समझ लीजिए ना कि कॉन्केव का मतलब जैसे ये केव दिखाई दे रही है आपको, अंदर छेद होता है केव, किसी पहाड़ में जो आप केव खोदते हो तो उसमें ऐसी दिखाई देती है ना, वो किसी पहाड़ में से केव खोद दी तो ये कॉन्केव कहलाती है, और कॉन्वेक्स जो केव का उल्टा हो वो कॉन्वेक्स, इससे ये कॉन्वेक्स। और आप ये तो जानती हैं, इमेज को अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि ये कॉन्वेक्स होता है, ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल गोलाकार बाहर से निकला हुआ ऐसा शेप दिखाई देता है जो कि कॉन्वेक्स शेप होती है, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है ना, इसको बाई कॉन्वेक्स याद रखना, बाई कॉन्वेक्स शेप की होती है हमारी आई का लेंस। अच्छा, और एक आयरिस के बारे में एक और बात थी कि जो हमारे आई का जो कलर होता है वो आयरिस से डिटरमाइन होता है, कि जैसे कुछ की आंखें ब्लू होती हैं, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ की ब्लैक होती है, ये सब, और कुछ की ग्रीन भी होती है, ये सब कुछ आयरिस डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। जो हमारे प्यूपिल है वो तो ब्लैक का ब्लैक ही रहता है, तो खाली छेद है उसमें से तो कोई भी, वो तो बस लाइट को अंदर भेज रहा है, ठीक है ना, तो प्यूपिल तो हमेशा ब्लैक रहता है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में अक्सर लोग जो प्यूपिल लिख के आते हैं पर गलत होता है,
प्यूपिल हमेशा ब्लैक होता है, जिनकी आंखें जो है ब्लू होती हैं या ग्रीन होती हैं उनमें भी प्यूपिल उनका उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो जो है ब्लैक ही रहती है। जो कलर डिटरमाइन होता है वो आइरिस करता है। और ये कौन से कलर हो सकते हैं? ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा और कोई कलर होता नहीं है हमारी आईज का। मतलब रेड कलर की आई, जो आप कहीं कोई वैम्पायर की मूवी देखी हो कि रेड कलर की आई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ह्यूमंस में। नॉर्मल ह्यूमंस में तो कम से कम नहीं होता है ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ये आइरिस की बात हो गई। और उसके बाद जो लाइट आती है हमारे लेंस में, फिर ना सारी लाइट को इधर इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर। जो रेटिना होता है, हमें बता दें आखिरी की जो लेयर है वो रेटिना है, और रेटिना पे भी यहाँ पे जाके इमेज बनाता है। इधर कहीं जाके इमेज बनाते हैं हमारा लेंस। और जो कैसी लेंस इमेज बनाते हैं, ये इनवर्स और रियल इमेज बनाता है, रियल इनवर्स इमेज। ठीक है ना, ये रियल इमेज बनाता है और उल्टी इमेज बनाता है। ठीक है, फिजिक्स में हम आपको समझाएंगे कि बिल्कुल सारे के सारे ही लेंसेज का समझाएंगे कौन सा लेंस कैसी इमेज बनाता है, क्योंकि ये जो है हमारा कॉनकेव लेंस है इससे ये हमेशा जो है रियल इनवर्स इमेज बनाएगा। और ये ना अपने बार बार जो है फोकस भी चेंज करता रहता है। अगर आप जो है अपना कंसंट्रेशन पास की चीज पर करेंगे तो ये अपना फोकस जो है पास के हिसाब से कर देगा। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन दूर को करेंगे तो दूर के हिसाब से अपनी कंसंट्रेशन अपना फोकस चेंज कर सकता है। और ये उल्टी इमेज यहाँ पे बनाएगा रेटिना पे। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है हमारा ऑप्टिकल नर्व्स जो दिमाग तक ले जाती हैं और दिमाग जाके प्रोसेस करता है, ठीक है जो उल्टी इमेज बनी है मैं इसको दोबारा उल्टा करके सीधा कर देता हूँ। ये काम हमारा दिमाग कर देता है, हमारा दिमाग समझ जाता है कि ये उल्टी है पर इसको उल्टा मत समझो, इसको सीधा करके समझो। और हमें जो दिमाग में ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सीधा देख रहे हैं, जबकि हमारी रेटिना पे इमेज जो बनी थी वो उल्टी बनी थी। अच्छा, अब रेटिना की अगर हम बात करें तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईज होती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई होती है। और इस रेटिना के ऊपर ना बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी लाइट को रिसीव करने के सेंसर्स होते हैं वो रेटिना पे ही होते हैं। जो मेन सेल्स होते हैं जो हमें देखने में या फिर लाइट को रिसीव करने में मदद करते हैं ना, वो रेटिना पे ही होते हैं। बाकी इन सब का काम तो उस उन सेल्स तक लाइट को पहुंचाना होता है। इन सभी जो ऑर्गन्स, इन सभी जो पार्ट्स आई के पार्ट्स का हमने यूज समझा, उनका काम सिर्फ लाइट को वहां तक पहुंचाना है, वहां तक लाइट को पहुंचाना होता है। और जो रेटिना होता है इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं हमारे रॉड सेल, दो तरीके के फोटो रिसेप्टर्स कह लो या दो तरीके के सेल्स कह लो, हमारे रॉड सेल्स और हमारा कॉन सेल्स। ठीक है, इनका नाम जैसे कि नाम है वैसे ही इनका लुक भी होता है। जो रॉड सेल्स होते हैं वो रॉड की तरह दिखाई देते हैं, और जो कॉन सेल्स होते हैं वो कॉन की तरह दिखाई देते हैं। जैसे नाम वैसे इनका लुक भी सेम ही होता है हमारा। रॉड सेल रॉड की तरह दिखाई देगा, कॉन सेल कॉन की तरह दिखाई देगा। अच्छा, और जो जो कॉन सेल्स होते हैं हमारे, इनका क्या फंक्शन होता है? ये कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमने बताया ना कि 3 प्राइमरी और 10 मिलियन सेकेंडरी कलर्स को हम देख सकते हैं, हमने बताया ना आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये रेड ग्रीन ब्लू कलर्स को देख सकती है ह्यूमन आई, कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक भी कलर नहीं देख सकते, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है और भी कई सारे 10 10 प्राइमरी कलर्स भी देख सकते हैं। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काफी सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो 10 10 प्राइमरी कलर्स को देख सकते हैं। हमें तो उन कलर्स के बारे में पता भी नहीं है, उनको हम आइडेंटिफाई या फिर नेम भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने कभी देखे ही नहीं, उनको नेम कैसे दे दें। ठीक है, और जो जो रॉड सेल्स का क्या काम, देखो कौन सेल का काम हो गया कलर को आइडेंटिफाई करना, और हमारे रॉड सेल्स का काम होता है ये बहुत ही ज्यादा फोटो सेंसिटिव होते हैं। जो लाइट होते हैं डिम लाइट में भी देखने की जो एबिलिटी होती है हमारे पास वो रॉड सेल्स के कारण होती है। मतलब आप कहेंगे कि मैं तो अंधेरे में देख ही नहीं सकता, पर आप ये समझिए ना
आप जो है अपने कमरों की लाइट बंद कर दीजिए, वो कहीं से भी थोड़ी सी किरण आ रही हो तो, लाइट की थोड़ी सी भी किरण आ रही हो तो आप ना सब कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाता है कि यहाँ पे बेड है मेरा, यहाँ पे जो स्टूल है, यहाँ पे जो क्लॉक है, या ऐसे ये गेट है मेरा, या ऐसे थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाता है अगर आप पूरे फोकस के साथ देखेंगे तो। ये रॉड सेल्स के कारण होता है, जो हमारे निशाचर जीव होते हैं यानी रात में घूमने वाले जीव होते हैं, उनमें रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे लॉयन हो गया, हमारे टाइगर हो गया, बिल्लियां हो गई, या कुत्ते हो गए, या फिर हमारे जो है आउल हो गया, आउल में भी बहुत सारे रॉड सेल्स होते हैं। पर ये तो अपने इनके पास रॉड सेल्स, जितने ऑर्गेनिज्म के पास जितने ज्यादा रॉड सेल्स होते हैं ना, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमारे कौन सेल्स के कारण से। मतलब अगर जिस ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा रॉड सेल होंगे ना, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कौन सेल्स के। जो हमारा आउल होता है उसके पास एक भी कौन सेल्स नहीं होता, यानी कि वो कलर देख ही नहीं सकता, वो कलर ब्लाइंड हो जाता है। अगर किसी की ह्यूमंस में भी डिफेक्ट होता है कि कई जगह कॉर्न सेल्स नहीं होते कुछ ह्यूमंस में, तो वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। और अगर किसी ह्यूमन में जो है रॉड सेल्स की कमी हो, तो वो नाइट ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब कम डिम लाइट में उनको दिखाई नहीं देता, नाइट में उनको दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है रॉड सेल्स की कमी के कारण। अच्छा, और रेटिना के बारे में एक और चीज है, दो स्पॉट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, ब्लैक स्पॉट और येलो स्पॉट। जो हमारी ऑप्टिकल नर्व जब एंटर करती है आई के अंदर, ठीक है, और रेटिना तक पहुंचती है, तो जिस स्पॉट पे पहुंचती है उसको हम ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस स्पॉट को ब्लैक स्पॉट कहेंगे। और जिस एरिया पे हमारी परफेक्ट इमेज बने, एकदम सबसे अच्छी इमेज बनती है रेटिना पर, जिस पॉइंट पे, उसको येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो स्पॉट्स के नाम, ब्लैक स्पॉट जहाँ पे लाइट पहुंचे ही ना, जो जहाँ पे इमेज बिल्कुल भी ना बने, ये प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारे ऑप्टिकल नर्व जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे रेटिना पे एंटर करती है, वहां पे लाइट नहीं पहुंचती है, इसलिए उसको ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और जहाँ पे एकदम बढ़िया ऐसी इमेज बने, उसको येलो स्पॉट कहते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट है कि जो हमारी आई है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से येलो और ग्रीन कलर को देख सकती है। जो हमारी आई होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है येलो और ग्रीन कलर को लेके, ज्यादा ही सेंसिटिव होती है, रेड को लेके इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, पर रेड जो है बहुत ज्यादा अच्छे से चमकता है यूनिवर्सली। जो फैक्ट है कि धुंध में भी आपको रेड कलर अच्छे से दिखेगा। खैर, वो सब की हमारे कोर्स क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको एक फैक्ट बताया कि हमारी आईज होती है येलो और ग्रीन के लिए ज्यादा जो है सेंसिटिव होती है। अच्छा, जो बुल होते हैं, कई जगह बोले जाते हैं कि बुल को लाल कपड़ा दिखाओ तो भी दौड़ने जो भागता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बुल को जो है लाल कलर दिखाई ही नहीं देता एक्चुअल में, बुल को तो लाल कलर ब्लैक ही दिखाई देता है। बुल की आंखों में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो रेड कलर को देख सके, ठीक है, पर वो उसको आप चढ़ाओगे किसी भी जानवर को तो गुस्सा तो होगा ही ना। अगर आप रेड कलर का कपड़ा दिखा के उसको चढ़ाने लगो तो उसको गुस्सा तो आएगा, और आपको मार देगा वो। ठीक है, तो हमने बात कर ली हमारे आउटर लेयर की, हमने कोरोइड की और रेटिना की भी बात कर ली, जो ऑप्टिकल नर्व से ये पहुंचा देते हैं सिग्नल्स को। और दूसरा, आपको ना इन मसल्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें स्लैगिंग मसल्स कहते हैं। ठीक है, जो मसल्स हमारी आई में जो लेंस होता है उसको होल्ड करके रखती है ना, जो मसल उसको होल्ड करके रखती है लेंस को, उनको स्लेरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, और यही जो है हम रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे आई का फोकस कम करना और ज्यादा करने पे। अगर ये जो है खींच देंगी तो हमारा फोकस जो है बिगड़ जाएगा। खींच देना लेंस को, बार बार खींचती हैं और छोड़ती हैं, लेंस की शेप चेंज करती रहती हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो लेंस है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, वो जो जेली फॉर्म में है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए तो सॉलिड ही है, पर वो जेली फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसकी शेप चेंज करी जा सकती है उसको खींच के, या फिर उसको रिलैक्स करके, जो कि काम करती है हमारी सिलाई मसल। ये सिलाई मसल इसको होल्ड करके भी रखती है, एक जगह पे पकड़ के रखती है कि भाई लाइट आनी है, तू यहीं पे रही हो, इधर उधर मत भाग जाइयो, इधर ही पकड़ा है। तो वो उसको लेंस को पकड़ के भी रखती है, और फोकस भी जो चेंज करती है वो हमारी सिलाई मसल्स ही करती हैं। जो बुढ़ापे में
ओल्ड एज में जो सिलाई मसल अगर वीक हो जाती है तो जो बुजुर्ग होते हैं उनका फोकस जो है बिगड़ जाता है, उन्हें जो है दूर की चीज़ें इतनी अच्छे से या फिर पास की चीज़ें इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, पास की अच्छी चीज़ इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि जो फोकस होता है वो इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है, इतनी ज़्यादा इसको खींच नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा जान नहीं रहती है हमारे सिलाई मसल में कि इसको खींच के इसका फोकस पास का ला सकें और पास के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ पाए। अच्छा, सबसे पहले हम बीमारियों की बात करें, आपको एक और बात समझ लेनी है। जो कौन हमने बताया था कि जो आउल होता है उसमें एक भी कॉर्न सेल्स नहीं होता, ऐसी जो हमारी हैन होती है यानी मुर्गी होती है उसमें जो एक भी रॉट सेल्स नहीं होते, उसमें रॉट सेल्स होते ही नहीं है। ठीक है, और होते भी हैं तो थोड़े से होते हैं जिसके कारण वो रात में दिखाई नहीं देती है। इसलिए आप देखेंगे तो मुर्गी होती है वो पूरे दिन जो है शोर मचाती रहेगी, पक 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 करती रहेगी, और सुबह होते साथ ही सूरज की किरण आते साथ ही पक पक शुरू हो जाती है उसकी, जबकि रात को एकदम चुप हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी, एकदम चुपचाप बैठ जाएगी जैसे कि उसकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी हो, क्योंकि उसकी आंखों पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली पट्टी बन जाती है अगर रोशनी खत्म हो जाए तो, हल्की सी नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसको। ठीक है, जो हमारी मुर्गी होती है उसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जबकि हमारे जो निशाचर जीव होते हैं जैसे कि हमारे लॉयन और जितने भी जो शिकारी होते हैं ये सब शिकारियों के पास जो है रॉट सेल कुछ ज़्यादा ही अधिक होते हैं और कॉर्न सेल कम होते हैं। ठीक है, और इसमें हैंड में जो कॉर्न सेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई इन दोनों का एक कंपेरिजन ही तो है, या तो तुम कॉर्न सेल ले लो या फिर तुम रॉट सेल ले लो, इन दोनों में से कोई एक सेल ले लो, किसी के पास कॉर्न सेल है तो किसी के पास रॉट सेल है। ह्यूमंस के पास दोनों का एक बैलेंस है, थोड़े बहुत रॉड सेल हैं और थोड़े बहुत कॉर्न सेल हैं, दोनों का एक अच्छा सा बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली, सारे ऑर्गन्स की बात कर ली, सबके फंक्शंस की हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब कुछ बीमारियों की भी हम बात कर लेते हैं कि आंखों से जुड़ी कुछ बीमारियां भी होती हैं। पहली हमारी मायोपिया होती है, मायोपिया जिसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस यानी कि दूर की जो है नज़र, इसको कह तो देते हैं दूर की एक सेम, ये हमारा मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, सॉरी मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं यानी कि पास की नज़र, इसको पास की नज़र तो कह दिया पर इसका मतलब होता है कि तुम्हारी दूर की नज़र अगर ख़राब हो ना तो मायोपिया होती है। मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस दोनों एक ही बात है। नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया एक ही बात है, जिसका मतलब होता है कि हमारे जो दूर की चीज़ हम ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये लेंस में खराबी के कारण आता है। इसमें क्या होता है, जो इमेज बन रही होती है ना हमारी, वो जो रेटिना से पहले बन जाती है इमेज। ठीक है, इससे जब दूर की अगर हम चीज़ देखते हैं तो हमें इमेज जो है इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती है। फिर दूसरी हमारी बीमारी आती है हाइपरमेट्रोपिया। जिसको फार साइटेडनेस भी कह सकते हैं, दूर की नज़र। वैसे इसमें कह तो रहे हैं हम दूर की नज़र, पर इसमें एक बीमारी का नाम है क्योंकि इसको दूर के ऑब्जेक्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, जितने दिखाई देने चाहिए उतने दिखाई दे रहे हैं पर पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं। अगर किसी वो किताब पढ़ने बैठेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, वो किताब को ऐसे रख के पढ़ेगा, जैसे कि ओल्ड एज में ये ज़्यादा कॉमन होती है, ये हमारी जो है यंग एज में कॉमन होती है। ओल्ड एज में ये मसल्स के वीक होने के कारण ये हमारी हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है कि भाई उसको दूर से ही रख के देखना पड़ेगा। और इसके जो इलाज के लिए ग्लासेस पहने जाते हैं, कैसे, कॉनकेव ग्लासेस पहने, कॉनवेक्स ग्लासेस पहने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कॉनवेक्स और हमारे मायोपिया के लिए कॉनकेव पहने जाते हैं, यानी कि जो मैंने ग्लास पहना हुआ है ये भी कॉनकेव ग्लास है, ये भी मुझे दूर की नज़र के लिए कॉनकेव ग्लास पहना गया है, और अगर बुढ़ापे में कॉनवेक्स पहना जाता है। पर कई लोग होते हैं जिनकी दोनों ही खराब होती हैं, जिनको दूर का भी एक लिमिट तक नहीं दिखाई देता और पास का भी इतनी एक लिमिट तक दिखाई नहीं देता, उन्हें बाईफोकल लेंस पहनने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कॉनकेव कॉनवेक्स, और एक तीसरा लेंस होता है बाईफोकल। बाईफोकल कुछ नहीं होता,
सिंपल सा होता है कि वो सिंपल सा कॉन्केव होता है, पर उसके साथ नीचे के एरिया में, जैसे अगर ये ग्लास है तो पूरा का पूरा तो ये बनाएंगे कॉन्केव ग्लास बाइफोकल में, बस नीचे का एरिया जो है कॉन्वेक्स कर देंगे हम, ठीक है, नीचे का एरिया कॉन्वेक्स कर देंगे, जिससे इससे क्या होता है, अगर दूर नॉर्मल देखने तो सामने देख लो, और अगर जो है किताब पढ़ रहे हो तो इस छोटे से एरिया में, ये जो छोटा सा एरिया है इस एरिया से देख लो, इसी को कहते हैं बाइफोकल लेंस। अगर कि बुढ़ापे में किसी की जो है दूर की भी नज़र और पास की भी नज़र खराब हो जाए तो उसको बाइफोकल लेंस पहनना पड़ता है। अब हम ह्यूमन ईयर्स को भी समझ लेते हैं, हमने आई को कंप्लीट कर लिया, अब ह्यूमन ईयर्स को समझते हैं। जो ह्यूमन ईयर होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि हमारी आईयू थी वो उसके तीन लेयर्स थी, ऐसे हमारे ह्यूमन ईयर्स की भी तीन लेयर्स होती हैं, पहले हमारी एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। जो हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है उसमें आती है हमारे जो है पहले से एक कार्टिलेज आती है हमारी, जो कार्टिलेज हमने आपको पढ़ाया था ना, हमारे स्केलेटन सिस्टम में भी वाले में भी समझाया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि होती है मसल्स की जो बनी होती है कार्टिलेज की बनी होती है, हमारी एक्सटर्नल जो ईयर होता है कार्टिलेज का बना होता है, ना तो ये कोई स्किन है ना ही इसमें कोई हड्डी है, ये कार्टिलेज होती है, ठीक है, ना स्किन ना हड्डी ना मसल, ये होती है हमारी कार्टिलेज, इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा बहुत दर्द होता है, इसे इसको छेद भी कर सकते हैं और इसे कोई यूज नहीं होता है हमारी कार्टिलेज का, इसको साइंटिफिक टर्म में पिन्ना कहते हैं। अभी ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे पिन डालती हैं ना लड़कियाँ, इधर पे जो है कान छेदवा देती हैं और पिन डालती हैं, इसलिए इसको कहते हैं पिन्ना, जो हमारे एक्सटर्नल की। और फिर हमारी कैनाल होती है कि जो अंदर जो आप देखेंगे कान में एक घुमावदार सी एक नली होती है जो साउंड को हमारे अंदर तक ले जाती है, उसको कहते हैं कैनाल, और वो अंदर कहाँ तक ले जाती है, वो हमारे ईयर ड्रम तक लेकर जाती है साउंड को। हमारे ईयर में एक ड्रम होता है ढम ढम, जो एक पर्दा होता है कान का पर्दा भी कहते हैं जिसको, वहाँ तक उस साउंड को ले जाती है ताकि उस पर्दे में वाइब्रेशन हो, और फिर वो मिडल ईयर में चली जाती है साउंड, उस वाइब वो वाइब्रेशन मिडल ईयर में चली जाती है। उस वाइब्रेशन के कारण जो मिडल ईयर में मौजूद तीन हड्डियाँ होती हैं वो तीन हड्डियों में मूवमेंट होती है, जिससे साउंड मैग्निफाई हो जाती है। इन तीन हड्डियों का काम जो साउंड को मैग्निफाई करना है और आगे इनर ईयर तक भेजना होता है। ये कौन सी तीन हड्डियाँ होती है हमारी, पहली हमारी मेलस होती है, इनकस होती है और हमारी स्टेपस होती है। जो स्टेपस होती है ये हमारी बॉडी की भी सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी होती है। मैं फिर से बोलता हूँ, पहले हमारी मेलस, इनकस और स्टेपस होती है। स्टेपस है हमारी पूरी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपस ही होती है। ये तीनों के तीनों जो मिडेरिया में होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है, इनका काम होता है जो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन आई है उसको मैग्नीफाई करना और उसको इनर ईयर तक भेज देना। ये इनर ईयर में हमारा कोकिला होता है, कोकिला का काम जो है ना इसमें लिक्विड भरा होता है कोकिला में, और फिर उस लिक्विड में वाइब्रेशन होती है, इनर ईयर से जो मैग्नीफाइड वॉइस आई है वो जो है कोकिला में जाके के लिक्विड में जाके जो है बहुत ज़्यादा जो वाइब्रेशन करती है, और वहीं पर हमारे जो सुनने के जो इक्विपमेंट होते हैं सेंसर्स जो हमारे सुनने के होते हैं वो इनर ईयर के कोकेला में ही होते हैं, वहीं पे हमारी ईयर जो है आइडेंटिफाई करी जाती है, हमारी साउंड जो है आइडेंटिफाई करी जाती है और ब्रेन में भेज दी जाती है। ये मिड ब्रेन में भेज दी जाती है और मिड ब्रेन के रिसेप्टर्स इसको जो है एनालाइज करते हैं, इसको समझते हैं अगर ये स्पीच है, बच्चा रो रहा है या बच्चा हंस रहा है, ये सब कुछ जो है हमारा ब्रेन जाके उसको बाद में एनालाइज करेगा। तो मेरे हमारे ईयर में ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये तीनों आपको ये समझना है कि ये तीन भाग में डिवाइडेड है, जो एक्सटर्नल भाग है उसमें पिन्ना है, कैनाल है और हमारा ईयर ड्रम भी एक्सटर्नल पार्ट में ही आता है। फिर मिड ईयर में हमारी तीन बोन्स आती हैं जिनका काम मैग्निफाई करना होता है, जिनमें हमारी मेलस है, इनकस है और स्टेपस है। स्टेपस जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी है स्केलेटन सिस्टम में, आपने आपको पढ़ाया अभी था ये बात। फिर हमारे इनर ईयर में कोकेला होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है और सेंसर्स लगे होते हैं साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारे आई और ईयर दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी डिटेल में समझा दिया आपको, मतलब इस वीडियो के बाद कोई भी जरूरत ही नहीं है किसी किताब को उठाने के लिए, बस इसको ही बाद में रिवाइज करने के लिए दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।